मिनिमम 6 आवर्स यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू बी फोकस्ड। मैं जो फॉलो करती थी वो था लेट नाइट स्टडी, रात में जगकर पढ़ना। और काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो बीएचयू वर्ल्ड के मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, वो काफी अच्छे होते हैं। मैं देखती थी, बहुत एक्साइटेड फील करती थी। हेलो एवरीवन, होप दिस लॉकडाउन इज ट्रीटिंग यू वेल। इस लॉकडाउन में मैं जो सबसे ज्यादा मिस कर रही हूँ वो है बीएचयू। वहाँ का एम्बियंस, वहाँ का सराउंडिंग, वो सब इतना सूदिंग है कि वहाँ पे बार बार जाने का मन करता है, और अगर चले गए तो आने का मन नहीं करेगा। वहाँ पे 80 घाट जाना, फ्रेंड्स के साथ लंका जाना, और कुछ नहीं मिला तो वीटी चले गए, वो सब बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और मुझे पता है कि आप भी जल्दी से बीएचयू का एंट्रेंस देकर वहाँ आने के लिए बहुत ईगर हो। मैंने पिछले साल एंट्रेंस दिया था बीएचयू का, और मैंने क्लियर किया बीएचयू वर्ल्ड के हेल्प से। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और उसी वजह से मैं आज बीएचयू में पढ़ रही हूँ। तो मैं अपने कुछ प्रिपरेशन टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप उसको फॉलो करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। क्योंकि 10 तरह के लोग होते हैं, 10 तरह के एडवाइसेस देते हैं, अगर आप सबके सुनोगे तो आप कंफ्यूज हो गए। आपको जो लगे कि हाँ ये आपके लिए सबसे अच्छा है, आप बस उसको फॉलो करो। अगर आप सबका सुनोगे तो आप कुछ नहीं, एट लास्ट बस कंफ्यूज रहोगे। आपको अगर किसी एक पर्सन की थॉट्स, आइडियोलॉजी अच्छी लग रही है तो आप उसको फॉलो करो। लाइक मैंने जो फॉलो किया वो था कि जो भी वीडियो लेक्चर्स बीएचयू वर्ल्ड ने मुझे प्रोवाइड किए, मैंने उसको देखा। ये नहीं बस एक बार जब उन्होंने लेक्चर भेजा तब देख लिया, बस हो गया, उसी टाइम काम खत्म। नहीं, उसको दोबारा तीन बार, जितनी बार आप देख सकते हो देखो, मिनिमम दो बार तो आप देखो ही। वीडियो लेक्चर्स के बाद जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होमवर्क होता है वो होता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स एंड नोट्स। आपने एक बार वीडियो लेक्चर देखा, उसके बाद उससे जो नोट्स आपने प्रिपेयर किए वो रीड करें एंड फिर क्वेश्चन पेपर बनाएं। एटलीस्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व होने चाहिए। अगर कोई डाउट है आप अपने टीचर से पूछो, या बीएचयू वर्ल्ड में सारे टीचर्स हेल्पिंग है, आपको कोई भी डाउट है आप उनसे पूछो। सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, एंड पर्सनली जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है सूरज सर और पवन सर। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेरी या फिर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो एस्पिरेंट्स को परेशान करती है वो है स्केड्यूल या रूटीन क्या फॉलो करें। मैं जो फॉलो करती थी वो था लेट नाइट स्टडी, रात में जगकर पढ़ना, क्योंकि मुझे वो ज्यादा पीसफुल या फिर लगता था कि उस टाइम मुझे ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं फेस करना पड़ेगा, तो मैं वो करती थी। तो मेरे हिसाब से जो आपका कंफर्ट लेवल है आप वो देखो और वो फॉलो करो। आपको लगता है कि सुबह जग के पढ़ने से ज्यादा अच्छा होगा, आपको ज्यादा समझ आता है, तो आप सुबह पढ़ो। अगर आपको लगता है रात में ज्यादा चीजें आप कवर अप कर पाओगे या डिस्टर्बेंस कम होगा तो आप रात में पढ़ो। इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या फॉलो करना चाहते हो। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो आपको फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई पे ध्यान देना है। 2 से 3 घंटे लगातार आप पढ़ो, उसके बाद आप ब्रेक लो, फिर 2 से 3 घंटे पढ़ो। मिनिमम 6 आवर्स यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू बी फोकस्ड। पढ़ते पढ़ते बोर तो हो ही जाते हैं, मैं तो हो ही जाती थी, और अभी लॉकडाउन चल रहा है, कहीं आ जा नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है आप भी हो जाते होंगे। तो पढ़ाई से अलग हटके कुछ करना होगा ताकि आपकी मोनोटोनी ब्रेक हो। मुझे तो डांस करना पसंद है, वीडियोज बनाना पसंद है, तो मैं वो कर लेती थी, काफी ज्यादा उससे रिफ्रेश फील करती थी। अगर आपको कुछ और पसंद है आप वो करो, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप रिफ्रेश फील करोगे, आपको अच्छा लगेगा जब आप वापस पढ़ने बैठोगे। आपको सोशल साइट, सोशल मीडिया चलाना पसंद है, आप वो करो, लेकिन एक सर्टेन टाइम के लिए। ये नहीं कि उसको खोले और उसी में लग गए। एक प्रिपरेशन के दौरान मैं काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड भी फील करती थी कभी कभी, बट मैं ये सोचती थी कि मैंने स्टार्ट क्यों किया, अगर मैं अभी गिव अप कर दूं तो मैंने जो मेहनत की इतनी दूर तक वो सब बेकार चला जाएगा। तो डोंट फील डिप्रेस्ड और डोंट गिव अप सडनली कि नहीं मेरे से नहीं होगा। मे बी एक दिन आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप उस दिन कम पढ़ो, लेकिन थोड़ा पढ़ो, मतलब 1 घंटे पढ़ो, कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। आप 6 घंटे मत पढ़ो, आप 1 घंटे पढ़ो, लेकिन उस दिन पढ़ लो। हो सकता है किसी दिन आपका खराब गया, आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो ये मत सोचो कि मुझसे कुछ नहीं होगा, इट्स ओके, कभी कभी हो सकता है। तो उस दिन की वजह से आप अपने फ्यूचर प्लान्स या फिर जो सोचा आपने एम, उसको आप बिल्कुल से भूल जाओगे तो फिर प्रॉब्लम वहां आएगी।
और काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो बीएचयू वर्ल्ड के मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, वो काफी अच्छे होते हैं। मैं देखती थी, बहुत एक्साइटेड फील करती थी, मुझे लगता था मैं कब बीएचयू आ जाऊं। बीइंग अ गर्ल, मैं चाहूंगी इस बार बीएचयू ज्यादा से ज्यादा लड़कियां आए, और अगर कोई टॉप कर जाए लड़की तो क्या ही बात है। हाँ, थोड़ा सा बायस्ड है, बट इट्स ओके, अगर कोई लड़का टॉप करेगा तो ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगेगा। बस मैं चाहती हूँ कि आप अपना 100% दो, अच्छा परफॉर्म करो एग्जाम में और जल्दी से जल्दी बीएचयू आओ। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपको अपने टैलेंट को शोकेस करने का, बी इट राइटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, पढ़ाई के साथ साथ आपको जो करना होगा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें, आप अच्छे से प्रिपेयर करें, अपना 100% दें एंड कम टू बीएचयू। एंड लड़कियों के दिमाग में जो जनरल इनसिक्योरिटीज होती हैं कि यहाँ के लोग कैसे होंगे, जगह कैसी होगी, तो मैं बता दूं यहाँ पे बहुत फ्रेंडली नेचर है लोगों का, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे आपके सीनियर्स हैं, मैं हूँ हेल्प करने के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम है शेयर करने के लिए। ऐसे यहाँ पे ज्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, तो आप ये सब सोचना बंद करो कि ये जगह कैसी होगी। इट्स वेरी गुड, आप अपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, जल्दी आओ, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो, और फिर हम लोग साथ में 80 चलेंगे, लंका चलेंगे, आई एम मिसिंग दैट सो मच, बीटी चलेंगे, बीएचयू एक्सप्लोर करेंगे, आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। तो आप लोग सब जल्दी जल्दी आओ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस, सो बाय।